व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नमः शिवाय। नैष्कर्म्य सिद्धि में द्वितीय अध्याय के 40 नंबर सूत्र है। बुद्धि, सुख दुख, इंद्रियां, ये सब जो है दृश्य है। चित भाष्यत्वम दृश्यत्वम, चेतन से जो प्रकाशित होता है उसको कहते हैं चित भाष्य। चित तो भार रूप है, ज्ञान स्वरूप है चित। चित को कहते हैं ज्ञान को, उससे जो प्रकाशित होता है, भाषित होता है, सबको कहते हैं दृश्य। घटपटादि जैसे भास रहा है, भान हो रहा है, इसी प्रकार बुद्धि का भान हो रहा है, इंद्रिय का भान हो रहा है, मन का हो रहा है, मन के धर्म का भी हो रहा है ना, ये सब दृश्य है। और आत्मा जो है सबका दृष्टा है, साक्षी है। दृष्टा से यहाँ पर साक्षी है, इसलिए जो दृष्टा होता है वो किसी का दृश्य नहीं हो सकता। हो सबको प्रकाशित करने वाला जो है साक्षी, वो दृश्य नहीं होता है। ये कहा 40 नंबर श्लोक में, दृष्टापि यदि दृश्याया आत्मा यात कर्मताम धिय योगपद्यम अदृश्यत्वम व्यर्थम च अपनुया श्रुति। श्रुति तो अप्रामाणिक हो जाएगी। आत्मा को भी दृश्य मानेंगे तो आत्मा में दृष्टित्व का कथन करने वाली श्रुति तो बाधित हो जाएगी, अप्रामाणिक हो जाएगी। नई दृष्टो दृष्टिर विपर्लोप विद्यते। दृष्टा की जो नित्य दृष्टि है, स्वरूपभूत जो ज्ञान है, उसका कभी भी व्यविचार, कभी भी निराकरण नहीं होता है। ये 40 नंबर श्लोक का हुआ। कुतः यस्मात्, आगे चलेगा 41 नंबर में। टीका में देखो, व्यर्थम एव उपपादयितुम कुत इति। व्यर्थ क्यों है, श्रुति अप्रामाणिक क्यों हो जाएगी, इलका कुत। यस्मात् बोला क्योंकि, क्योंकि यस्मात् का अर्थ क्योंकि। इकतालीस नंबर श्लोक में चलेगा, नालुप्त दृष्टे दृश्यत्वम दृश्यत्वे दृष्टिता कुतः स्याचेद्रिगेकं निर्दृश्यम जगद्भाष्यात् असाक्षिकम। 41 नंबर में कहते हैं कि अलुप्त दृष्टेर दृश्यत्वम न, ऐसा अन्वय है। तो जिस पदार्थ की दृष्टि, दृष्टि वाले ज्ञान है ना, ज्ञान यदि अलुप्त न हो, मतलब जो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप यदि हो जाए, मतलब जड़ स्वरूप यदि ना हो, है कि नहीं, ज्ञान स्वरूप यदि होगा कोई, ठीक है ना, जिसका स्वरूप ज्ञान है, प्रकाश स्वरूप है जिसका, वो दृश्य कभी नहीं हो सकता है। दृश्यतम ना, है कि नहीं, अलुप्त दृष्टि है ना, अलुप्ता दृष्टिर जस्य, अलुप्ता दृष्टिर जस्य, मतलब जिसका दृष्टि रूपी ज्ञान लुप्त नहीं हुआ, मतलब ज्ञान स्वरूप जो है, जो ज्ञान स्वरूप होगा वो दृश्य नहीं हो सकता है। दृश्यतम ना, ठीक है। घटपट आदि में जितने भी है वो कैसे होते हैं, लुप्त दृष्टि है, वो ज्ञान स्वरूप नहीं है वो। इस प्रकार इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, ये सब कैसे होते हैं, अलुप्त दृष्टि नहीं है, लुप्त दृष्टि है वो। लुप्त दृष्टि जो ज्ञान स्वरूप नहीं है वो, ठीक है। हाँ, जो ज्ञान स्वरूप हो जाएगा
ठीक है, उसमें दृश्यतम ना उदृश्य नहीं हो सकता है, ये साचपर्य है। इसलिए दृश्यत्व दृष्टता कुत आत्मा भी यदि दृश्य हो जाए, ठीक है ना, सबको प्रकाशित करने वाला जो आत्मा है वो भी यदि दृश्य हो जाएगा तब तो दृष्टता कुत, वो दृष्टा कैसे होगा फिर, ठीक है, जो दृश्य होगा वो दृष्टा नहीं हो सकता कभी। ये बोलते हैं आज दृष्टा होगा कभी दृश्य नहीं हो सकता है। ये है। और यदि कहोगे नहीं स्याचे दृक् एकम निर्दृश्यम, बोलते हैं कि दोनों में से दृक् ही केवल हो, समझ में ना, मतलब आत्मा जैसे दृक् है, ये बुद्धि आदि भी सब क्या हो जाएंगे, दृक् स्वरूप हो जाएंगे, पर दृश्य कौन होगा फिर, तब तो क्या हो जाएगा फिर, सारा जगत क्या होगा, निर्दृश्यम, क्योंकि पाठांतर भी है एक नंबर में दिया है, स्याचे दृक् एका, आत्मा भी दृक् है और बुद्धि आदि भी क्या हो जाएंगे, दृक् हो जाएंगे, तब तो क्या होगा, दृश्य कौन होगा फिर, निर्दृश्यम, कोई दृश्य तो होगा नहीं फिर। अच्छा, और यदि सब दृश्य हो जाएंगे, सब यदि क्या हो जाएंगे, दृश्य हो जाएंगे, ठीक है ना, तो फिर साक्षी कौन होगा फिर, जैसे घटपट आदि दृश्य है, बुद्धि आदि दृश्य है, आत्मा भी यदि दृश्य हो जाएगा तो इसका फिर साक्षी कौन होगा, इसको प्रकाशित करने वाला, इसको जानने वाला फिर कौन होगा। ये कहते हैं जगतवा स्यात असाक्षिकम, जगत तो साक्षी का हो जाएगा, इसका कोई साक्षी नहीं रहेगा, साक्षी के बिना किसी की सिद्धि नहीं होती है। अयम घट अयम पट है कि नहीं, सारी वस्तु जो सिद्ध होते हैं साक्षी से सिद्ध, आत्मा यदि ना हो तो किसी वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती है। इसलिए असाक्षी का वस्तु की सिद्धि नहीं होती है, बिना साक्षी के वस्तु की सिद्धि होती नहीं है। ज्ञाततया अज्ञाततया सर्वम साक्षीवास्यम, चाहे ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो, वो साक्षी से ही सिद्ध होगा, बिना साक्षी से किसी वस्तु की सिद्धि नहीं होती है। चाहे अज्ञान हो है, चाहे अज्ञान का विषय हो है, चाहे ज्ञान हो वृत्ति रूपी ज्ञान, चाहे वृत्ति रूपी ज्ञान का विषय हो, जितने भी दृश्यमान जगत होते हैं ये सब के सब जो है साक्षी से ही सिद्ध होते हैं। इसी को लेकर तो भैया आपके शून्यवाद का निराकरण हो जाता है, सर्वम शून्यम शून्यम, भाई इसको कौन जानेगा, वो है कि नहीं, इसको इसको प्रकाशित करने वाला कौन होगा फिर। अच्छा, ये थोड़ी ठीक है, देखो जानंतम माम जानामि, पूर्व पक्षी कहना है इति अनुभवा दृष्टुरपि दृश्यत्वम, ये बोलते हैं 41 नंबर श्लोक के ऊपर टीका में, जानंतम माम जानामि, सारे घटपटादि को जो जानने वाला आत्मा में, घटपटादि को जानने वाले को मैं जान रहा हूँ। घटपटादि का ज्ञान जिसको हुआ उसको आप जान रहे हो ना, है कि नहीं, तो ये तो अनुभव हो रहा है। जानंतम माम जानामि, घटपटादि को जानने वाला जो आत्मा है उसको मैं जान रहा हूँ, है तो जानने वाला आत्मा को आप जान रहे हो, घटपटादि को, घटपटादि ज्ञान जिसको हुआ आपको हुआ, तो आप अपने आप को जानते हो कि नहीं, तो घटपटादि का जानने वाला आत्मा हो गया, वो आत्मा क्या होगा, दृष्टा, घटपटादि का दृष्टा आत्मा हो गया, उसको भी जानने वाले आप हो। इसलिए क्या हुआ, दृष्टा भी दृश्य हो सकता है, दृष्टा भी दृश्य हो जाएगा, जानंतम माम जाना, मैं जानने वाले को मैं जान रहा हूँ। ठीक है, बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता है, पूर्व पक्षी का कहना है पहले, दृश्यस्य दृष्टृत्वम अविरुद्धम,
हैं, जो दृश्य होगा वो कभी दृष्टा नहीं हो सकता है, समझ में ना। तो कोई विरोध नहीं है, दृश्य भी दृष्टा हो, घटपटादि का दृष्टा हो गया आत्मा है कि नहीं, अथवा चिदाभास ले लो। घटपटादि को जानने वाला कैसा है, घटपटादि को जानने वाला हो गया चिदाभास, और चिदाभास को भी जानने वाला कौन हो गया, आत्मा ले लो। हुआ कि नहीं हुआ? जैसे कहते कि अहम घटम जानामि, मैं घट को जान रहा हूँ, मैं घट को जान रहा हूँ। तो वहाँ पर क्या है, घट को भी जानते हो, घट के जानने वाली को भी जानते हो। इसीलिए घट को भी जाना और घट का ज्ञान जिसको हुआ है, किसको, चिदाभास को, उसको भी जाना कि नहीं। इसलिए घट का दृष्टा हो गया चिदाभास, चिदाभास फिर दृश्य हो गया साक्षी का, तो हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए चिदाभास दृश्य भी हो गया, दृष्टा भी हो गया, नहीं हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बोलते नहीं है। वास्तविक चिदाभास ना, वो भी दृष्टा, वो भी दृष्टा नहीं होता है, वो भी दृश्य ही है। आप दोनों को एक ही साथ जानते हो, ऐसा नहीं कि घट का ज्ञान पहले हुआ चिदाभास को और फिर साक्षी को ज्ञान हुआ घट का, और घट का ज्ञान जिसको हुआ चिदाभास को उसका, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है, तीनों एक ही साथ प्रकाशित होते हैं। एक साक्षी से ही घट का भान भी होता है, घट ज्ञान का ही भान होता है, और ज्ञाता जो चिदाभास है उसका भी ज्ञान होता है, और क्या, क्रम से नहीं होता है, एक ही साथ तीनों का प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, इसमें इनमें से कौन दृष्टा है, कोई भी दृष्टा नहीं है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, तीनों के तीनों ये सब दृश्य है, दृष्टा कोई भी नहीं होता है। चलो, इसलिए यहाँ पर कह रहा है, तो 41 नंबर सूत्र में, इस श्लोक में, स्याचेदृक् एकम निर्दृश्यम जगत वा स्यात् असाक्षिकम्। टीका आगे, तरी दृश्यस्य दृष्टिरूपत्व अविरोधात् दृष्टि स्वभावत्व आपत्तो दृश्यमेव सर्वम आसीत् इति दृष्टि शून्यम जगत एव अवशिष्यते। दृश्य होता है दृष्टि रूपत्व अविरोधात्, यदि सबको यदि दृक् स्वरूप मानेंगे तो क्या हो जाएगा फिर, तो फिर दृष्टि स्वरूप, दृष्टि स्वभावत्व आपत्तो, सब दृष्टा स्वरूप ही होंगे, है क्या? इसलिए क्या हो जाए, क्या बोलते हैं, दृश्य को ये दृक् से भिन्न नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा फिर, दृश्य में बस सर्वमासित, सब कुछ दृश्य ही हो जाएंगे। अच्छा, और दृष्टा को ये नहीं मानेंगे, सबको दृश्य मानेंगे, तब तक क्या होगा, दृष्टि शून्यम जगत एव अवशिष्यते, सारा जगत दृश्य होगा, दृष्टा से शून्य हो जाएगा, है कि नहीं। तब शून्य हो जाएगा तो जगत की सिद्धि नहीं हो सकती है। 41 नंबर श्लोक चल गया। यद्यपि दृष्टा दृश्य से भिन्न है, परंतु ये अधिष्ठान है, वो अधिष्ठान है। यद्यपि भेद मानते हो दृष्टा और दृश्य, दृक् और दृश्य दोनों में भेद है, भेद मतलब क्या है, दृश्य से दृक् भिन्न है, अधिष्ठान है ना, वो सत्य है, लेकिन दृश्य दृक् से भिन्न नहीं है, है ना, दृश्य मिथ्या होता है, वो दृक् से भिन्न नहीं होता है, ठीक है नहीं। इस प्रकार यदि आपको ज्ञान हो जाए, दृक् ही अज्ञान को लेकर के दृश्य के रूप से भास रहा है, जैसे सपना में
है ना, जो तुरिया चैतन्य है, तुरिया चैतन्य ही स्वप्न के रूप से भास रहा है कि नहीं। और लेकिन देखा जाए तो स्वप्न का पदार्थ जितने भी होते हैं, वो स्वप्न का जो दृक् स्वरूप है, साक्षी स्वरूप जो तुरीय चैतन्य है, उससे भिन्न नहीं होता है। ऐसा यदि ज्ञान हो जाए उड़ने के बाद, मैं ही वास्तविक सत्य था, स्वप्न से अतिरिक्त, स्वप्न में कोई अतिरिक्त पदार्थ मेरे से भिन्न था नहीं, तो वहाँ पर दृक् दृश्य भाव नहीं बनता है, साक्षी साक्ष्य भाव नहीं बनता है, वहाँ पर तो केवल निर्विशेष एक ही ब्रह्म, एक अद्वितीय, वही आत्मा ही अवशिष्ट होता है, भेद रहता नहीं। आगे चलो भैया, 42 नंबर श्लोक चलेगा। उक्त जुक्तिम दृढ़ी कर्तुम आगम उदाहरण उपन्यास, यही चलेगा, थोड़ी टीका है। उक्तस्य न्यायस्य प्रशिथिल मूलत्व परिहाराय मूलत्व प्रमाणम दर्शयति, ये न्याय है, न्याय का आधार होता है श्रुति प्रमाण होता है, मनन, मनन का आधार होता है श्रुति प्रमाण, इसलिए मूल यदि प्रशिथिल हो जाए, अप्रामाणिक हो जाए, तब तो न्याय युक्तियुक्त नहीं होता है, वो ज्ञान का साधन नहीं बनता है, वही न्याय वही तर्क ज्ञान का साधन बनता है, संशय का निवर्तक होता है, न्याय का कोई आधार होता हो, श्रुति प्रमाण होता हो, इसलिए बोलते हैं प्रशिथिल मूलत्व, प्रशिथिल मूलम यस्य, तो क्या होगा प्रशिथिल मूलत्व, जिसका मूल प्रशिथिल हो जाए, मतलब जिसका जो मूल है प्रमाण, वो यदि क्या हो जाए, श्रुति विरुद्ध हो जाए, तो उसको, उस न्याय को ज्ञान का साधन नहीं माना जाएगा, वो मनन कोटि में नहीं आएगा वो, इसलिए बोलते हैं मूलत्व प्रमाणम दर्शयति, उसका जो मूल रूपी जो प्रमाण है, मूल प्रमाणम पाठ होना चाहिए, मूल प्रमाणम, ठीक है, न्याय का तर्क का प्रमाण क्या होना चाहिए, मूल, मूल श्रुति प्रमाण होना चाहिए, है कि नहीं। याजा दृश्यम तत्तद मिथ्या, देखो ये युक्ति हो गई, इसका मूल क्या है, नेह नानास्ति किंचन, ये होता है, हाँ ये प्रमाण है, यद्यत परिचिन्नम तत्तद मिथ्या, तो ये कहते अन्यत आर्तम, ये कहते हैं देखो, है ना, आत्मा से जो अन्य होगा वो विनाशी होगा, श्रुति बोलती है, वो तो अन्यत आर्तम, है कि नहीं, यद यद कृतजन्यम तत्त जो है विनाशी, जो जो कृतजन्य होगा वो विनाशी हो जाएगा, इसका श्रुति प्रमाण हो गया, तद जाते यह कर्म चित्त लोकाचियते एवं अमत्र पुण्य चित्त लोकाचियते, ये श्रुति होती है। आगे देखो टीका, ये 44 नंबर, उक्त युक्तिम, ये जो युक्ति बतलाई अभी, साक्षी के बिना जगत सिद्ध नहीं होता है, लेकिन चाहे ज्ञात रूप से हो चाहे अज्ञात रूप से हो, कोई भी पदार्थ साक्षी के बिना सिद्ध नहीं होता है, जड़ पदार्थ जड़ चेतन के बिना सिद्ध होगा नहीं होता है, और चेतन जड़ के बिना सिद्ध होगा वो तो स्वतः सिद्ध है, आत्मा स्वतः सिद्ध है, अनात्मा की सिद्धि आत्मा के बिना नहीं हो सकती, लेकिन आत्मा की सिद्धि अनात्मा के बिना होती है, ये यहाँ पर न्याय है, इसलिए उदाहरण उपन्यास 42 नंबर श्लोक, आर्तमन्यादृशे सर्वम नेति नेतीति चा सकृत वदन्ति निर्गुणं ब्रह्म कथम श्रुति उपेक्षते, हाँ देखो, कहते हैं कि भाई
दृश्य है अन्यत आर्तम सर्वम, दृश्य है अन्यत सर्वम आर्तम। आर्त बोलते हैं विनाशी को, आर्त बोलते हैं विनाशी को। ओम महादेव। तो दृश्य होता है यहाँ पर आत्मा, दृश्य प्रक्षण है, दृश्य प्रक्षण है ना, जो सबको प्रकाशित कर ले, असंग होकर के सबको प्रकाशित करे, उसका नाम होता है दृश्य। दृश्य और साक्षी पर्याय है ये, है तो जो आत्मा है दृश्य, उससे जो अन्य है, अन्य तो कुछ नहीं है, अन्य की तरह जो भास रहा है अनात्म पदार्थ दृश्य है अन्य जो आत्मात्म पदार्थ है सर्वम। सर्वम करने से क्या हो गया यहाँ पर, है बुद्धि आदि भी आ गए। सर्वम करने से बुद्धि आदि भी आ गया, सब चिदावास भी आ गया, सब आ गया। क्योंकि चिदावास भी दृश्य नहीं ना है, वो भी दृश्य है, वो भी जड़ी है। ये दृश्य है अन्यत सर्वम ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, यही प्रश्न चल रहा है। सर्वम आर्तम विनाशी है सर, तो व्याप्ति हो गई ना, इसलिए यद यद अनात्मा तत्त आर्तम, ये तात्पर्य होगा। यद यद दृश्य है अन्यत मतलब अनात्मा तत्त आर्तम, ये युक्ति है, व्याप्ति है, ये तर्क न्याय, ठीक है। हाँ, इसका मूल कोई होना चाहिए, मूल है ये श्रुति, देखो श्रुति बोलती है कि ना इति ना इति, ये देखो इसको कहते हैं व्याप्ति, क्या कहते हैं इसको, व्याप्ति भी कहते हैं। और नैति नैति की तरह एक से मूर्त का निषेध हो जाता है, एक से अमूर्त का निषेध हो जाता है, एक नैति से मूर्त का और एक नैति से अमूर्त का है। और व्याप्ति कहेंगे तो क्या होगा, सबका निषेध हो जाएगा, सबका क्या हो जाएगा, जो मूर्त अमूर्त नहीं है वो दृश्य हो सकता है, जो मूर्त नहीं है अमूर्त नहीं है, है ना, वो दृश्य हो सकता है, है क्या हो जाता है, महाभूत में जाता है। हाँ वही तो कह रहा हूँ ना, जो महाभूत नहीं हो भी दृश्य तो हो सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या करो, विप्सा ले लो, क्या ले लेंगे, विप्सा ले लो, विप्सा अर्थ करेंगे। विप्सार्थ करने से क्या होगा, दो बार ऐसा नहीं समझना, विप्सा मतलब दो, जैसे द्वारम द्वारम अटति भिक्षु, तो कितने द्वार है, हैं, द्वारम द्वारम अटति भिक्षु, हैं, द्वारम द्वारम अटति भिक्षु, तो कितने द्वार जाता है, दो द्वार नहीं, बहुत हो जाएगा, संख्या नहीं होती यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर विप्सात कर देंगे तो आत्मा से अतिरिक्त जो अनात्मा है दृश्य, सबका यहाँ पर ग्रहण हो जाएगा, आए समझ में, सबका ग्रहण हो जाने से क्या होगा, जो जो अनात्मा होता है लेकिन दृश्य होता है, लेकिन वो सब क्या हो जाएंगे, आर्तम विनाशी हो जाएंगे। ये कहते हैं नेति नेति इति असकृत बदंती, है कि नहीं, असकृत मतलब क्या है, एक बार नहीं, सकृत क्या मतलब एक बार है, असकृत बार 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 मतलब अनेक श्रुतियाँ हैं, बदंती कहती हुई जो श्रुति है, बदंती श्रुति, श्रुति का ऐसी कहती हुई जो श्रुति है ना, निर्गुणम ब्रह्मा, और निर्गुणम ब्रह्मा का उपदेश करती है श्रुति, है कि नहीं, सबका जब निषेध कर दिया तो ब्रह्म कैसा रहा, निर्गुणम है ना, हाँ, ये आपके उपाधि उपाधि का धर्म इसको लेकर तो ब्रह्म को आप सगुण कह रहे हो। अरे माया है, माया का धर्म है सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता, है कि नहीं, वो तो किस कोटि में आ गया,
वो तो अनात्मा कोटि में आ गया, दृश्य कोटि में आ गया, उसका निषेध कर दिया तो ब्रह्म क्या होगा, निर्गुण ब्रह्म। इसलिए अति नति के द्वारा किस ब्रह्म का उपदेश करती है श्रुति, निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म वदन्ती, ऐसी जो श्रुति है कथम उपेक्षते, इस श्रुति की उपेक्षा कैसे करते हैं, उपेक्षा नहीं की जा सकती। मतलब ये जो न्याय है, यद्यद् दृश्यः अन्यत् तत्तत् आर्तम्, इसका आधार कौन हो गया, नेति नेति है कि नहीं, इस श्रुति की उपेक्षा नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ी ठीक है, देखो उदार्यते इति उदाहरण वक्त वाक्यम, उदाहरण वाक्य यहाँ पर नेति नेति। नान्य नान्यो अतो अस्ति दृष्टा श्रोता मन्ता इत्यादि कहा, आत्मा से अतिरिक्त कोई दृष्टा श्रोता इत्यादि नहीं है, ऐसा उपक्रम किया। देखो मतलब अद्वैत आत्मा का उपक्रम किया और अंत में क्या कह दिया, ये जो व्याप्ति बता दिया न्याय, अतो अन्यत आर्थम, आत्मा से जो अनात्मा की तरह दिखाई दे रहा है वो सब विनाशी है। पहले दृष्टि आत्मा व्यतिरिक्तस्य, कौन आत्मा, दृष्टा आत्मा, चिदावा दृष्टा नहीं है, दृष्टा आत्मा से अतिरिक्त सर्वस्य दृश्य जातस्य, ये देखो सारा जो दृश्य वर्ग है, ठीक है नहीं, विभागित्व न, सबको विभाग करती ना श्रुति, नित्य आत्मधर्मित्व निराकरण, ये बताओ ये जो दृश्यत्व है जितने भी है वो आत्मा का धर्म है क्या, नहीं है, वो सबका निराकरण कर दिया। ठीक है, इसलिए नेति नेति इति मूर्ता मूर्त रूप द्वय निषेधाच, एक होता है मूर्त, एक होता है अमूर्त। मूर्त कहते हैं रूपवत्तम मूर्तस्य लक्षणम, वेदांत में मूर्त किसको बोलते हैं, वेदांत में ये पारिभाषिक शब्द है, मूर्त मतलब रूपवत्तम, जल तेज और कौन, पृथ्वी, वो अमूर्त हो गया, हो गया। और अमूर्त रूप रहितत्व, जिसमें रूप नहीं है उसको कहते हैं अमूर्त, आकाश और वायु हो जाएंगे, ऐसा लक्षण करते हैं। मूर्ता अमूर्त रूप द्वय निषेधाच, निषेध कर दिया। तो इससे क्या कहना चाहते हैं, सर्व दृश्य, देखो सभी दृश्य का निषेध किया जाता है, जितने भी दृश्य और आत्मा है वो आत्मा नहीं है, सर्व दृश्य है, तो जितने भी दृश्य है वो तो सब मिथ्या है। तो मिथ्या पदार्थ का संबंध अधिष्ठान के साथ नहीं होता है, ये कह रहे हैं सर्व दृश्य असंस्पर्शित्वम, असंस्पर्शित्वम है ना, मतलब संबंध अभाव, स्पर्श संबंध को कहते हैं। मैंने मिथ्या पदार्थ का अधिष्ठान के साथ कोई संबंध नहीं होता, आविद्यक संबंध है, आविद्यक संबंध कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए कहना विरुद्ध तमा प्रकाश अवध विरुद्ध स्वभाव यो हो भगवान भाष्यकार कहते हैं अध्यास भाष्य में। इसलिए आत्मनः सत्य, ऐसी आत्मा का कथन उपदेश बोध कराया गया है श्रुत्या, श्रुति के द्वारा, नेति नेति नेति, इस श्रुति के द्वारा असंग आत्मा का उपदेश किया जाता है, जिसको श्लोक में कहा निर्गुणम ब्रह्म कथम श्रुति रूपेक्षते। इसके अर्थ में दृश्य दृक में कल्पित है, दृश्य पदार्थ जो होते हैं दृक में कल्पित है, इसलिए दृश्य का संबंध दृक में नहीं होता है, ये है, इसलिए वो ब्रह्म जो आत्मा है वो असंग है। इसलिए विशिष्ट नहीं होता, विशिष्ट अद्वैत नहीं बन सकता है। ब्रह्म को विशिष्ट बोलते हैं, ये सत्य है ही नहीं तो विशिष्ट कहाँ से होगा, मिथ्या पदार्थ से अधिष्ठान विशिष्ट होगा नहीं होता, विशेषण विशेष सत्य हो तो विशिष्ट कहा जाता है। इसलिए विशिष्ट अद्वैत भी हो और विशिष्ट भी हो नहीं बन सकता है। उक्तार्थे स्मृतिरपि प्रमाणम, इसके विषय में स्मृति जो गीता है वो भी प्रमाण है, ये कहते हैं।
महाभूतान्यहंकार इत्येतत् क्षेत्रमुच्यते। न दृश्यद्वैतयोगोस्ति विश्वेश्वरमतादपि महाभूतान्यहंकार इत्येतत् क्षेत्रमुच्यते। हाँ देखो कहते हैं ये तो भगवान ने क्या दिया ना दृक् दृश्य भी वहाँ पर क्षेत्र क्षेत्र विभाग में क्षेत्र क्षेत्र का विभाग। देखो पहले पदार्थ का शोधन होता है, पदार्थ का शोधन होता है, फिर उसके बाद वाक्य अर्थ का बोध होता है। महावाक्य का अर्थ का बोध होगा, जीव ब्रह्म का एकत्व हो गया महावाक्य का अर्थ है, तात्पर्य बोलते हैं उसको, तात्पर्य बोलते हैं वक्तुर इच्छा इति तात्पर्यम है कि नहीं। न्याय में वक्तुर इच्छा इति वक्ता के इच्छा को कहते हैं तात्पर्य नहीं। महावाक्य का तात्पर्य जीव ब्रह्म में एकत्व, लक्षार्थ में एकत्व है कि नहीं। हाँ लक्षार्थ में एकत्व, इसको कहते हैं वाक्यार्थ। हाँ वाक्यार्थ हाँ होता है ना, पहले बताया आपको, आप लोगों को बताया ना। हाँ वाक्य में जो घटक पद होंगे, पदों का जो पदार्थ होगा नहीं, पदार्थ में जो परस्पर अन्वय होता है उसको क्या बोलते हैं, हाँ उसका नाम होता है वाक्यार्थ। जैसे तत्त्वमसि इत्यादि हो गया, तत्पद का अर्थ, त्वम पद का अर्थ, उस अर्थ में जो परस्पर अन्वय है, अभेद अन्वय, जो तत्पद का लक्षार्थ है वही त्वम पद का लक्षार्थ, जो त्वम पद का लक्षार्थ है वही तत्पद का लक्षार्थ। इसलिए तत्पद का लक्षार्थ और त्वम पद के लक्षार्थ में क्या है, अभेद, इसका नाम होता है वाक्यार्थ। उसका ज्ञान के लिए पहले पदार्थ का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं, पहले वाक्यार्थ बोधे पदार्थ बोध कारणम, ये कारण होता है, ये सिद्धांत है, ये सबको मानना पड़ता है ना। तो इस सिद्धांत के अनुसार भगवान भगवान भी यही प्रक्रिया है करते हैं गीता में भी। इसलिए कि जो है उत्तम पद का जो लक्षार्थ है वो कौन है, जिसको क्षेत्रज्ञ का क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए पहले क्या जानना पड़ेगा, क्षेत्र को जानना पड़ेगा। क्षेत्र में दृश्य देखो लिख दिया यहाँ पर, महाभूतानि अहंकार, महाभूत से लेकर के अहंकार पर्यंत इत्येतत्, ये सब क्या है, क्षेत्रम उच्यते, इदम शरीरम कौन्ते या क्षेत्रम इत्यभिधीयते, ऐसा कहा पर अहंकार पर्यंत सब आ गए, ये सब क्षेत्र, ये उपलक्षण है, ये जितने भी दृश्य है सबको बोलते हैं क्षेत्र नहीं। क्योंकि विनाशी है वो विनाशी है, इसलिए उसको क्षेत्र बोल दिया, छीछ है क्षेत्र बोल दिया है कि नहीं। आ धीरे धीरे नष्ट भी होता है निरंतर, इसलिए क्षरणा देते क्षेत्र, बहुत सारे अर्थ किया भगवान भाष्यकार ने, विद्वान लोग बहुत सारे अर्थ करते हैं कि नहीं। और इसमें शरीर आदि में जो है वो कर्म फल, हाँ कर्म उत्पन्न होता है ना, हाँ बीज उत्पन्न होता है ना, बीज बोया भी जाता है और क्या होता है, कर्म फल का भोग भी होता है, इसलिए खेती की तरह खेती बोल दिया, इसलिए बहुत सारे अर्थ है। तो महाभूत से लेकर के अहंकार पर्यंत ये सब क्या होते हैं, क्षेत्र, क्षेत्र का सीधा अर्थ हो गया दृश्य ले लो, इत्येतत् क्षेत्रमुच्यते, गीता में उसको क्षेत्र कहते हैं नहीं। पहले निर्णय होना चाहिए कि ये क्षेत्र है, मतलब दृश्य है, ये चित्तभाष्य हो गया ना, यद यद चित्तभाष्यम तत्त क्षेत्रम दृश्यम है कि नहीं, सब दृश्य हो गया ठीक है भगवान। और इसको जानने वाला जानने वाले को क्या कह दिया, क्षेत्रज्ञ, ये विभाग कर दिया पहले ठीक है। लेकिन ये विचार आता है ये जो शरीर आदि महाभूत से लेकर के ये अहंकार पर्यंत, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब ले लो, उसके धर्म भी ले लो, ये सब के सब हो गए क्षेत्र, मतलब दृश्य। लेकिन दृश्य है, दृश्य की एक सत्ता
अक्षत्र की एक सत्ता है, है ना, दो है ना, दो है, एक जानने वाला होता है, एक अरे जाना जा रहा होता है कि नहीं। तो दो की सत्ता अलग अलग है कि एक की सत्ता से दूसरे की सत्ता है, ये विचार होता है कि नहीं। पहले तो विवाह करना पड़ता है, एक दृश्य है और दूसरा उसको जानने वाला अदृक हो गया। लेकिन दो सत्ता है कि एक की सत्ता से दूसरा सत्ता वाला है। क्योंकि सपनों में भी दो दिखते हैं, दिखते नहीं दिखते हैं, जानने वाला भी दिखता है, जो जाना जा रहा है वो सपना भी दिखता है। लेकिन वहाँ पर क्या है, सपना की सत्ता दृक से भिन्न, दृक की सत्ता से भिन्न नहीं है, है तो कि नहीं होता है। इसी प्रकार जागृत में भी जो जैसे स्थूल शरीर से लेकर के महाभूत कह दिया, अहंकार कह दिया, अंक सब उपलक्षण है, ये सब के सब जो दृश्य है, क्षेत्र है, तो इसकी सत्ता दृक से भिन्न नहीं होती है कि नहीं। इसलिए संबंध नहीं है, दृश्य का संबंध दृक में नहीं होगा। क्यों जी, यही कह रहे हैं आप, देखो ना दृश्यर द्वैत योगो अस्ति, द्वैत योगो, योग मतलब संबंध, द्वैत कौन हो गया, द्वैत किस में है, हाँ दृश्य में द्वैत है। ये शरीर आदि के धर्म इसमें ये है द्वैत, इसलिए उसका संबंध योग का अर्थ संबंध न दृश्यर है ना, हाँ दृश्य मतलब साक्षी, यहाँ पर दृक स्वरूप अधिष्ठान, उसके साथ संबंध नहीं हो सकता है, वो असंग है, असंग हो अयम पुरुष का भगवान ने इसी को, ये श्रुति भगवती ऐसा कहते हैं। विश्वेश्वर मतादपि, विश्वेश्वर कौन है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विश्वेश्वर यहाँ पर लेकिन विश्वेश्वर विश्वेश्वाम ईश्वर इति विश्वेश्वर, सारा जगत का वो ईश्वर है वो, सारे जगत का ईश्वर उनका मत। तो विश्वेश्वर का मत कहने से ईश्वर शब्द से क्या लेंगे यहाँ पर, वाच्यार्थ लेंगे कि लक्षार्थ लेंगे, वाच्यार्थ लेना पड़ता है, वाच्यार्थ। और निर्विषय ब्रह्म का कौन सा मत है उनका क्या मत होगा, तो आज मत तो आचार्य का होता है, निर्विषय ब्रह्म का क्या मत है, इसलिए हम वाच्यार्थ ले लो ईश्वर। लेकिन ईशावासम इदम सर्वम यत्किंच जगत हम जगत, वहाँ पर ईश्वर आया, वहाँ पर वाच्यार्थ नहीं है, लक्षार्थ लेना पड़ता है लक्षार्थ मूल शब्द दृश्य है, इकारांत है, जैसे हरि है ना, हरि, हरि शब्द का हरे है बनता है पंचमी में षष्ठी में भी, इसी का दृश्य हर्ष इकारांत का दृश्य बनेगा। दृश्य का अर्थ होता है दृक् स्वरूप, चेतन स्वरूप है वो, ठीक है ना। इसलिए चेतन स्वरूप जो अधिष्ठान है उसका द्वैत युग नास्ति, मतलब द्वैत वस्तु जो दृश्य है उसका संबंध नहीं हो सकता। यदि विश्वेश्वर मत आता भी, विश्वेश्वर जो भगवान श्री कृष्ण है उनके मत से भी ये निश्चित होता है। पाठांतर भी है गुरु जी, हाँ जी, द्वैत भोगोस्ति ऐसा भी है, हाँ हाँ वो पाठांतर भी है, लेकिन योग शब्द अच्छा मालूम पड़ रहा है, भोग अच्छा नहीं है, योग शब्द अच्छा है, योग मतलब संबंध, योग शब्द संबंध है, ठीक है। आगे देखो बे, वो कहते हैं आगे कि अधुना अधुना प्रकृतार्थ उपसंहार, प्रकरण का जो विषय है उसका यहाँ पर उपसंहार हो रहा है, उपसंहार उपसंहार है। एवमेतत् हिरुज्ञेयम्, एवमेतत् हिरुज्ञेयम् मिथ्या सिद्ध मनात्मकम्, मिथ्या सिद्ध मनात्मकम्
मोहमूलम सुदुर्बोधम मोहमूलम सुदुर्बोधम द्वैतम युक्तिभिरात्मनः द्वैतम युक्तिभिरात्मनः युक्तिभिरात्मनः। देखो वो बोलते हैं कि एवं एतत् गेयम्, इसको ऐसा ही जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? हिरुक हिरुक यह ह को ध भी पाठ होता है, एतद् धिरुक ऐसा भी पाठ हो जाएगा, हो जाएगा। ह को ध हो जाएगा ना, जय होन्य तरस्यम। तो यदि ही है तो और अच्छा है, संधि नहीं करेंगे तो अच्छा है, लेकिन स्पष्टता के लिए संधि नहीं होती यहाँ पर। और संधि करेंगे तो भी कोई अशुद्ध नहीं है, सब शुद्ध ही है। संधि करो चाहे संधि न करो। हिरुक 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 शब्द है, हिरुक शब्द पृथक करते हैं, मतलब टिप्पणी में दे दिया है, अव्यय पद है हिरुक, है ना। ऐसा समझना चाहिए, भिन्न है। देखो भाई, मिथ्या शब्द मिथ्या सिद्धम अनात्मकम है, ये भ्रांति ज्ञान से सिद्ध है। जब तक भ्रांति ज्ञान है तब तक वस्तु है ये मिथ्या वस्तु, ये अनात्मकम। बुद्धि सुख दुख इंद्रिय जितने भी है और क्या है, ऐसा कह दिया। अच्छा, इसका मूल क्या है? अनात्म पदार्थ का, जो अनात्म पदार्थ मिथ्या से सिद्ध है। हाँ, कौन मिथ्या है? क्षेत्र प्रसंग यही चल रहा है। माँ बुद्ध से लेकर के केवल रज्जु सर्प को समझते हैं मिथ्या, लेकिन भगवान कह रहे हैं ये शरीर आदि को मिथ्या समझो ये शरीर मन बुद्धि को मिथ्या समझो कह रहे हैं, नहीं। तो ये सब क्या है? ये आत्मा नहीं है, ये अनात्मकम है कि नहीं? अरे हीरोक मतलब भिन्न है। और इसका मूल कौन है? बोलते कि मोह मूलम। मोह किसको कहते हैं? अज्ञान को। अज्ञान को कहते हैं मोह, है कि नहीं? मोह अज्ञान अंधकार, मोह मूलम। और बोलते हैं कि भाई देखो, सुदुर्बोधम इसका ज्ञान होना बहुत कठिन है, हैं ये सब मिथ्या है। द्वैत वर्ग जितने भी है इसको जानना आसान काम है क्या? बहुत कठिन है वो है कि नहीं? इसलिए आत्मना हाँ, ये आत्मा से भिन्न है। आत्मना हाँ युक्ति भी ही, लेकिन युक्ति से इसको सिद्ध करना पड़ता है। किससे? अनुकूल युक्ति, श्रुति मूलक अनुकूल युक्ति के द्वारा, है कि नहीं? इसका संबंध है ये जितने भी द्वैत पदार्थ है, आत्मना हाँ संबंध हो सकता है? प्रसंग क्या चल रहा है? प्रसंग प्रकृत अर्थ उपसंगार कह दिए ना, क्षेत्र जो भी दृश्य पदार्थ है इसका संबंध आत्मा के साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? प्रसंग ये चल रहा है, तो क्या कह दिया? आत्मना संबंध, इधर अध्ययन करके समझ लो, आत्मा के साथ संबंध इसका नहीं बन सकता है। किसका? द्वैत पदार्थ का, दृश्य पदार्थ का, क्योंकि सब मिथ्या है ना, मिथ्या पदार्थ का संबंध बनता ही नहीं है। ठीक है भगवान। इसलिए युक्ति से यहाँ पर केवल युक्ति नहीं है, प्रमाण मूलक युक्ति के द्वारा निरूपण आप नहीं कर सकते हैं कि आत्मा का संबंध मिथ्या पदार्थ के साथ होता है। संबंध बनता है क्या? नहीं बनता है। थोड़ी टीका देख लो। तरही सांख्यानाम इव द्वैतम भिन्नमपि पारमार्थिकस्यत्। देखो सांख्य लोग, आप यदि द्वैत को मान लिए, यही तो कहते हैं ना, आप द्वैत को तो मानते हो। भगवान भाष्यकार ने कितना श्लोक लिख दिया बताओ भक्ति के विषय में, जितना लिखा गया कोई भी आचार्य इतना नहीं लिखा है। इसका द्वैत को मानते कि नहीं? मानते हैं ना। हाँ, इसी प्रकार देखो सांख्य लोग जैसे द्वैत को मानते हैं, आप भी द्वैत को मान लिए, द्वैतम भिन्नम अपि, फिर भी क्या बोलते हैं? पारमार्थिक हो जाएगा ना फिर वो लोग। द्वैत जो होता है पारमार्थिक होता है। आप ये द्वैत को मान लिए, क्षेत्र और क्षेत्र में क्या है? द्वैत है ना। जो क्षेत्र वो क्षेत्रज्ञ है वो नहीं है वो, तो
है ना, जो दृश्य है वही यही तो पहले से प्रसंग आ रहा है, जो दृश्य है वो दृष्टा नहीं हो सकता, जो दृष्टा है वो दृश्य नहीं हो सकता है, तो भेद है दोनों में, द्वैत है, तब तो फिर पारमार्थिक हो जाएगा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में पारमार्थिक भेद हो जाए, पारमार्थिक सत्य हो जाए, बोलते कि नहीं मिथ्या सिद्ध, ये मिथ्या ज्ञान से, ये जब तक अपने स्वरूप का बांध नहीं है इसको क्षेत्र क्षेत्र कहते हो। तथापि ये देखो, अन्यथा ख्याति भी, अन्यथा ख्यातिवादी प्रवृत्ति नाम न मिथ्यात्म स्या, देखो क्या तात्पर्य है, फिर भी अन्यथा ख्यातिवादी जितने भी होते हैं ना, ठीक है ना, इसको क्या मानते हैं, सत्य मानते हैं कि मिथ्या मानते हैं, क्यों भाई क्या मानते हैं, अन्यथा ख्यातिवादी सत्य मानते हैं ना इसको, है कि नहीं, केवल अनिर्वचनीय ख्याति वाले ये संसार को क्या मानते हैं, क्षेत्र को मिथ्या मानते हैं, बाकी सब सत्य ही मानते हैं, न मिथ्यात्म मिथ्यावादी नहीं मानते, तार्किक लोग होते हैं अन्यथा ख्यातिवादी, ठीक है ना, तार्किक है, कुमाइल भट्ट है आदि सर्व ले लो, चार ख्याति सबको ले लो, ठीक है ना, वो तो मिथ्या नहीं मानते भगवान। तो इसका क्या उत्तर दिया, अनात्मकम मोहमूलम, मोह अज्ञान, अनात्मक अर्थ लिखे हैं, देखो सत्स्वभाव रहितम इत्यर्थ, सत्स्वभाव कौन है, आत्मा, क्षेत्रज्ञ ही सत्स्वभाव है, बाकी जितने भी होते हैं सत्स्वभाव से रहित नहीं, असत ना भाव विद्यते सत, है ना, ना सत्व विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, असत के वास्तविक सत्स्वभाव नहीं होता है। अनात्मक है, सारा जितने भी क्षेत्र है वो अनात्मक है, आत्मा नहीं है, क्यों नहीं है, मोह मूलम है, जिसका उपादान मोह है, मूल मतलब उपादान कारण, जिसका उपादान कारण परिणामी उपादान कारण कौन हो, मोह माया हो, वो क्या होगा, आत्मा होगा कि अनात्मा होगा, अनात्मा हो तो मिथ्या ही होगा, सत्य तो होगा नहीं, ऐसा कह दिया भगवान। तो सत्यात्मक कार्यस्य कथम एवं विदंतम, भाई कार्य तो सत्य होता है, इस प्रकार कैसे हुआ फिर, असत कैसे हुआ, बोलते हैं मोहमूलम, ये अनात्मा वर्ग जो कार्य है, ये कार्य तो कैसा होता है, सत्य स्वरूप होता है, फिर ये मिथ्या कैसे कहते हो, क्या उत्तर दिया, मोहमूलम, इसका मूल तो अज्ञान है, वो उपादान अज्ञान है। तद एव कथम होगी, किस प्रकार का हो, कथम मतलब किस प्रकार से हुआ, बोले निरूपण आप नहीं कर सकते, इसलिए सुदूर बोधम मतलब प्रमाण युक्तिभ्याम, प्रमाण प्रमाण से भी और कैसे है, युक्ति से भी इसका निरूपण आप नहीं कर सकते, सत्य के रूप से निरूपण कर सकते हो क्या, प्रमाण से भी नहीं होगा और युक्ति से भी नहीं हो सकता है, ठीक है, इसलिए मिथ्या पदार्थ का आत्मा के साथ संबंध बनेगा नहीं बन सकता है, प्रमाण में प्रमाण से भी सिद्ध नहीं है, युक्ति से भी सिद्ध नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव।